हेलो गाइस, आज सेकंड ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी बस हम लोग ने ऑफिस से आके थोड़ा रेस्ट किया है, तो सोचा कुछ पॉलिटिक्स पे और इलेक्शन पर वीडियो बनाया जाए। तो हमारे साथ आज के गेस्ट हैं अभिषेक सिंह जी। ये लाइक आईटी मैनेजर है एक कंपनी में, नाम हम क्लोज नहीं कर सकते। सो हम उनसे पूछेंगे थोड़ा इलेक्शन के बारे में। अभिषेक जी, बताइए आरक्षण के बारे में, क्या आपका आजकल जो चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है, थोड़ा आप ब्रीफ बता सकते हैं उसके बारे में? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको तो मैं पूरे तरीके से नहीं पढ़ा हूँ, तो उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमारे देश में सिनारियो रहा है, उसके लिए हमें बहुत थोड़ी आवाज़ तेज करो, उसके लिए हमें बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा इतिहास और उससे पहले, क्योंकि हमारे देश में शुरू से ही, चाहे बहुत पहले, अब सतयुग त्रेता द्वापर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कलयुग में, जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है, तो तब से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं रही हैं। मतलब वर्ण व्यवस्थाओं में ये था कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये चार वर्ण हुआ करते थे। अब वर्ण व्यवस्थाओं में ये था कि क्षत्रियों के पास काम था कि उन्हें राज करना है, राजा बनना है, या फिर उन्हें जमींदारी करनी है, उन्हें छोटे छोटे जो वो होते थे, मतलब जैसे एक राजा होता था उसके छोटे छोटे डिक्टेटर से, नहीं डिक्टेटर नहीं, उसके छोटे छोटे, जैसे एक कोई बड़े रियासत का राजा है तो छोटे छोटे टाउन के जो मनसबदार होते थे, जिसको आजकल पार्षद बोलते हैं। आजकल तो ठीक है, मतलब उस टाइम पे जैसे जो मनसबदार होते थे ये होते थे। ब्राह्मणों का काम था कि उन्हें लोगों को एजुकेट करना होता था, उन्हें पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सब चीज़ें करनी होती थी। फिर वैश्य के जो लोग थे उन्हें व्यापार का सारा काम देखना होता था। जो शूद्र थे उन्हें अपने काम के हिसाब से, बाद में जातियाँ बटी, जैसे जो लोग दूध से रिलेटेड काम करते थे वो यादव बिरादरी में गए, जो लोग भेड़ से रिलेटेड काम करते थे वो पाल समाज में गए, जिसे गंडेरिया समाज भी बोला जाता है, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो कुम्हार समाज में गए, जो लोहे का काम करते थे वो लोहार बन गए, तो सोने का काम करते थे सुनार बन गए, और क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग और थे जो पानी वानी भरते थे घरों में, या फिर जो लोग क्या कहते हैं कि प्रयोजनों में लोगों के घरों में पानी भरते थे वो कहार हो गए, ऐसे करके सारे बिरादरी थी। कुछ लोग खेती करते थे वो कुर्मी समाज में चले गए, तो ऐसे समाज उनके काम के आधार पे बट गया। बाद में क्या हुआ कि जैसे जब हमारे देश गुलामी की जंजीरों में आया, पहले जो बाहर के आक्रांता आए, अफगानिस्तान या उसके ऊपर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों में पहले डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, बाद में अंग्रेज सरकार आई, फिर तो उसके बाद से धीरे धीरे लोकल लेवल पे अत्याचार स्टार्ट हुए, और काफ़ी ज़्यादा लोकल लेवल पे अत्याचार तरह तरह की शुरू हुई। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को दबाया गया वो शूद्र प्रजाति के लोग थे। बाद में फिर इनके बहुत सारे सुधारक हुए, जैसे राजा राममोहन रॉय हुए, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का भी थोड़ा बहुत योगदान था, फिर दादा भाई नेहरू जी हुए, और भी लोग थे बाद में। हाँ, ये तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बट हम सोच रहे हैं कि नहीं, इतना मैं ज़्यादा नहीं, 100 साल पुरानी हिस्ट्री बता। हाँ, तो 100 साल उसके बाद फिर अम्बेडकर आए। तो हमारे यहाँ फिर 1947 में जब आज़ादी हुई, तो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ आरक्षण प्रणाली स्टार्ट हुई। तो पहले हमारे यहाँ SC कैटेगरी और ST कैटेगरी को आरक्षण मिला, फिर OBC कैटेगरी आरक्षण के लिए लड़ाई शुरू की, तरह तरह के लोग अलग अलग राज्यों में OBC से रिलेटेड बिल को पास करने लगे। बाद में फिर मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन बिहार के एक बहुत बड़े लीडर थे मंडल, उन्होंने OBC के लिए आरक्षण का बिल आया जो 1989 में पास हुआ BP सिंह के सरकार में, जिसको लेके बहुत ज़्यादा देशव्यापी आंदोलन हुए, जनरल कास्ट ने आंदोलन किया, बाद में BP सिंह की सरकार भी गिरी। तो ऐसे करके धीरे 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 आरक्षण प्रणाली चालू हुई। फिर 1989 में लगभग 35% के आसपास जनरल कास्ट की आबादी थी, जो अभी 15% रह गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे राज्यों में यादव जनरल कास्ट में थे वो OBC में चले गए, जाट OBC में चले गए, गुज्जर OBC में चले गए, और बहुत सारे बनिया समाज के लोग थे OBC में चले गए, पटेल समाज के लोग थे बहुत राज्यों में वो OBC में चले गए, तो पॉपुलेशन जनरल कास्ट की घट गई। अब इसमें क्या हुआ कि ये बेसिकली जो आरक्षण प्रणाली बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि दलितों का, आदिवासियों का, या OBC BC के जो लोग थे उनका सुधार हो, बट एक्चुअल रूप में ये सुधार हुआ नहीं, इसका बेसिकली राजनीतिकरण हो गया। जैसे आज की डेट में जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कुछ लोग अपनी जातियों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ऐसे करके, तो ये इसका बेसिकली वो हो गया, मतलब राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण,
अब इसमें सीन ये था कि अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई दलित कास्ट का आदमी है, वो किसी भी तरीके से कहीं नौकरी पा जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसकी आने वाली 3-4 पीढ़ियां ही नौकरी पा रही है, बाकी लोग वही के वही रह गए उनके बस्तियों में। तो अब इससे क्या हुआ कि और भी चीज़ें थी, जैसे कि अब दलित कास्ट में बहुत सारी बिरादरियाँ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जाटो समाज के लोग थे, जाटो समाज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, तो जाटो समाज के लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिली, बाकी और दलित समाज के लोगों को इग्नोर किया गया। वही चीज़ OBC के साथ भी हुआ, जिन बिरादरियों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी, जिन बिरादरियों के नेता आगे बढ़े, उन्होंने अपनी बिरादरियों को आगे बढ़ाया और बाकी बिरादरी छूट गई। इसलिए क्या है कि आरक्षण हमारे देश में चलता चला जा रहा है, इसकी जड़ें एकदम अंदर तक धंसती चली जा रही है। ओके, इसका बस जो मुझे लगता है कि जैसे जो लोग इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे देश में जातिगत चीज़ें ऐसी जटिल समस्या है, जातिगत समस्या, कि इसको ख़त्म करने का मुझे लगता है कि दो चीज़ें अभी करनी चाहिए। इसमें पहली एक चीज़ है कि अगर किसी को आरक्षण मिल गया है तो वहाँ से उसको आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर किसी को मिल गया तो वहाँ से आपने ख़त्म कर दिया कि अब भाई तुम्हें मिल गया, तुम नौकरी पा गए, अब तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम सक्षम हो गए हो। ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे लोग जान पहचान के थे जिनके फादर अच्छे पोस्ट पे थे, सरकारी नौकरी करते थे, वो 1.5 लाख रैंक ले आए, बट उनको अच्छी कॉलेजेस मिल गए, IIIT वगैरह मिल गया, जबकि उनके फादर अच्छे पोस्ट पे थे, वो उनको सारी सुख सुविधाएं थी, वो 30-40 हज़ार रैंक ला सकते थे। अगर कोई दलित का बच्चा है जो कि जिसके पास सुविधाएं नहीं है, वो 1.5 लाख ला रहा है, तो उसका ठीक है, बट अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप केवल दलित का चोला उड़ के आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अगर आप एक एक करके ऐसे लोगों को हटाते रहेंगे कि जिनको आरक्षण मिल गया, एडमिशन में मिल गया या नौकरी में मिल गई, वहाँ से अब वो जनरल कास्ट हो गए, अब इन्हें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि नए नए लोगों को मौका मिलेगा आरक्षण मिलने का। दूसरी चीज़ जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का बेसिकली सीन ये है कि अगर मान लीजिए कि दलितों की रिप्रेजेंटेशन 20% है, 20% पे जाटो समाज 8% है, मतलब कितना हुआ टोटल 40%। तो अगर दलितों की सीट 100 है तो उसमें जाटो समाज को केवल 40 सीट आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं कि जाटो 100 सीट में पूरे के पूरे जाटो समाज को मिल रहा है, बाकी और किसी को नहीं मिल रहा है। यही चीज़ OBC के साथ भी है। अगर यादव समाज का 10% है तो उनके लिए 10% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। अगर जाट समाज के 3% है तो उनके लिए 3% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। तो हमें जातिगत जनगणना करके जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे नौकरी का सिस्टम है उस पर ये चीज़ों को चेंज करना चाहिए कि आपकी रिप्रेजेंटेशन 10% है तो आपको 10% सीटें ही मिलेंगी, और दूसरी चीज़ जिनको मिल गई है उन्हें हमें हटाना है। ऐसे अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो जातिगत पॉलिटिक्स है हमारे देश में खत्म हो जाएगी। एक बात आपकी मैं अपनी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट ने शायद लागू करेगी नहीं करेगी आरक्षण पे रिजर्वेशन, तो उन्होंने क्या है, मेरे को स्टेप अच्छा लग रहा है मेरी कि ये बोल रहे हैं कि इनकम के आधार पर आरक्षण देना स्टार्ट करना चाह रही गवर्नमेंट, तो ये भी बेस्ट है क्योंकि कई लोग जो जनरल है, जनरल वाले इतनी मेहनत करते हैं, वो भी गरीब घर से हैं, उनको नहीं मिलता, वो लाख रैंक लाते हैं, 2 लाख लाते हैं, उसके बाद कम रैंक लाते हैं, तब भी उनका IIT नीट्स नहीं होता। तो मुझे क्या लगता है जिनकी इनकम लो है फैमिली की, उनके घर में कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है और उनके बाप भी मजदूर हैं, ये उनको भी शायद मेरे को लगता है कि होना चाहिए इनकम के आधार पे। देखिए इनकम के आधार पे होना चाहिए, इससे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें पता है एक चीज़ और है, एक चीज़ दिक्कत ये है कि जैसे कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं ना उनके पास हमेशा से ज़मीनें रही हैं, क्योंकि मैं भी जनरल कास्ट से हूँ, तो अब जनरल कास्ट के पास ज़मीनें हैं तो इन्होंने ज़मीन के आधार पर ये बांट दिया कि अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर अब ऐसा सीन है तो फिर ऐसे बहुत सारे OBC के लोग भी हैं, उनके पास भी ज़मीनें हैं, तो उन्हें भी हटा देना चाहिए कि नहीं भैया, क्योंकि SC ST के पास तो ज़मीनें नहीं है, बट OBC के बहुत सारी बिरादरी के लोग हैं, जैसे जाट समाज के लोग हैं, गुज्जर समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं। तो अगर आप जनरल कास्ट को ज़मीनों के आधार पर हटा रहे हो तो OBC को भी जनरल कास्ट ज़मीनों के आधार पर हटा दोगे तो काफ़ी बड़ा तबका आपका आरक्षण से हट जाएगा, अगर आपको इकोनॉमिक आधार पर करना है। इसीलिए मैंने बोला ना कि जो जातिगत जनगणना है और इकोनॉमिक सर्वे है वो हमारे देश में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेटा है ना आज की डेट में डेटा एक फ्यूल है, हमें अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्शन करनी चाहिए अपने देश में। अगर हम डेटा कलेक्शन अलग अलग तरीके से करेंगे तो हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। जैसे अब हम लोग अब काम करते हैं तो अगर किसी को मार्केटिंग करनी है, किसी को सेल्स बढ़ानी है, या किसी को लीगल में कुछ काम करवाना है, या किसी को अपनी कंपनी इंप्रूव करनी है, तो हर कोई अब अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इकोनॉमी के आधार पर, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास तो काफ़ी डेटा आ गया है, आधार पैन सब लिंक हो गया है, कोई ज़्यादातर कुछ चीज़ें छुपा नहीं सकता,
जातिगत सर्टिफिकेट भी लोगों के पास है, तो वो चीजें, तो इसके आधार पे गवर्नमेंट को एक डेटा जनरेट करके इसमें तरह तरह की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वो एक एक्चुअली सीन देखिए हमारे देश में दिक्कत पता है क्या ना। अच्छा मैं इसमें एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि मान लो गवर्नमेंट ये जो रिजर्वेशन का फैक्टर है आरक्षण वाला, ये बहुत पुराना चल रहा है, इस पे डेली कुछ ना कोई अपडेट आता है, कुछ चेंज होते हैं, कुछ होते हैं, कोई आरक्षण फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती है, हाई कोर्ट कुछ बोलती है, लोग खिलाफ करते हैं, धरना करते हैं, ये करते हैं करते हैं। अगर ये आरक्षण का जो सिस्टम है चेंज हो गया या फिर बेटर हो गया, इससे इंडिया की इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए वही मैं आपको कह रहा था ना कि अगर आरक्षण प्रणाली को हमें धीरे धीरे, देखिए हम अचानक से नहीं खत्म कर सकते हैं, हम धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, तो उसको मैंने आपको बताया ना जातिगत जनगणना, और आपका जो ये है कि किसी को आरक्षण मिला उसको नहीं मिलेगा, ऐसे करके आने वाले 15-20-30 सालों में आरक्षण ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, धीरे 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 आरक्षण वाइप आउट हो जाएगा, वो चीज़ें हैं। अब इससे क्या होता है कि देखिए जो नेता लोग हैं ना, अब जैसे यूपी में, बिहार में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया का मुझे लोकल लेवल की राजनीति उतना नहीं पता है, पर नॉर्थ इंडिया में लोकल लेवल पे 2-4 जिलों में लोगों ने अपनी एक राजनीतिक पैड बना रखी है कि फलाना बिरादरी के लोग हमारे वोटर हैं, तो वो क्या करते हैं कि भड़काते हैं। अब बड़ी पार्टियां जो हैं जैसे कि कांग्रेस हो गया या बीजेपी होगी सेंट्रल स्तर पर, राज्य सरकारों में जैसे समाजवादी पार्टी या लालू की पार्टी या ममता की पार्टी, ये जो अपनी स्टेट में पावरफुल पार्टीज हैं, अब इनसे बीजेपी लड़ रही है, तो बीजेपी क्या करती है कि इन लोगों से गठबंधन करने की कोशिश करती है कि एक दो सीटें ले लो तुम, उनसे गठबंधन कर लो, समाजवादी पार्टी, तो इनका क्या है कि इनका राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा है, और ये करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपनी बिरादरी में जाके कुछ कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते, ये अपने फैमिलीज को आगे बढ़ा रहे हैं और बिरादरी वालों को केवल भड़का रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, धीरे 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 करके आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब देखिए इकोनॉमी की रही बात, तो इकोनॉमी थोड़ा सा अलग मैटर है, मैं ये नहीं कह सकता कि आरक्षण की वजह से इकोनॉमी बूम होगी या नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की जो आज की डेट में इकोनॉमी है 340 लाख करोड़ की है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उसको बूम करने के लिए बहुत मेजर फैक्टर चाहिए। नहीं फिर कुछ तो चेंज होगा, लोग की सोच चेंज होगी, कुछ चेंज इसलिए होगा कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर बढ़ेंगे, स्किल्ड लेबर बढ़ेंगे जिससे कि हमारे यहाँ काम में त्रुटियाँ कम होंगी, बहुत चीज़ें हैं, होगा, ऐसा नहीं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी कंट्री पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम अपनी स्कीम से जोड़ेंगे तो उससे चीज़ें सही होगी। एक चीज़ मैं पहले बोलना चाह रहा था, आपने अपनी बात रखी उस पर, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, मैं उनके फेवर में तो नहीं हूँ, बट एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ये बगल में दिल्ली के बगल में राजस्थान पड़ता है, वहाँ के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो फर्स्ट टाइम 1998 दिसंबर से 2003 दिसंबर तक मुख्यमंत्री बने, फिर 2008 दिसंबर से 2013 दिसंबर और 2018 दिसंबर से 2023 दिसंबर, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 5-5 साल के अंतराल छोड़ के। तो पहली बार अभी रिसेंटली 2023 में चुनाव होने वाले थे दिसंबर में, तो अप्रैल में मैं उनकी कहाँ बयान सुन रहा था, अप्रैल मई के आसपास की बात थी या जून के आसपास की बात थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आते, वो उन्होंने ये बोला कि बहुत सारी योजनाएं जो मैं 98 में लाया था वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो फिर वो सोचिए कि थर्ड टर्म उनका चल रहा है, बट बहुत सारी योजनाएं ऊपर से चली हैं, नीचे तक लागू नहीं हुई है। तो वही चीज है कि हमारे यहाँ देश में योजनाएं 1947 से हमेशा से चली हैं, बट योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला ना कि डेटा कलेक्शन अलग अलग फील्ड पे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम योजनाओं के तहत जोड़ेंगे तभी हमारी चीजें रिजोल्व होंगी। अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं जोड़ा था, आपकी जो बात आपने सही कही है, आजकल भी वही सीन हो रहा है, जैसे मान लो कोई और गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी या उस कोई स्टेट में कोई और सरकार थी, कोई और पार्टी थी, तो उसने वो काम इम्प्लीमेंट किया, बट वो काम जब उन दूसरी पार्टी ने पूरा किया तो उसका क्रेडिट तुरंत ले लेते कि हमने ही किया है, बट काम स्टार्ट किसी और ने किया है एंड वो करें तो क्रेडिट तुरंत ले। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि थोड़ा सा मोदी जी को एक चीज एक्स्ट्रा वरदान मिला, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट हुआ ना, जैसे कि जो सोशल मीडिया आया या फिर जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आए, जैसे UPI आया, ये सब, तो इसका इनको फायदा मिला। ये 2014 से पहले उतना लाइमलाइट में नहीं था, ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्री में था हमारे यहाँ नहीं था, ऐसा नहीं था, ये उतना लाइमलाइट में नहीं था, तो इसका उन्हें फायदा मिला। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे डे बाई डे हम तरह तरह की योजनाएं तो बनती रहती हैं, दिक्कत होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं से जोड़ना और उन योजनाओं का कोई गलत फायदा ना उठा पाए। अच्छा इसमें हम हम इसमें डिस्कस करेंगे, बात करते हैं, ये टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें अब मैं ये वीडियो भी लाऊंगी, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और लाइन आप ऐड कर दो लास्ट में, क्या मतलब आपके हिसाब से आरक्षण में क्या बेस्ट रहेगा, क्या होना चाहिए, क्या ना, मतलब कुछ भी, तो हम इसको वीडियो का भी मैं आरक्षण के बारे में एक बात ही बोलूंगा कि आरक्षण को अचानक से नहीं खत्म किया जा सकता है, ठीक है,
आरक्षण पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आरक्षण को धीरे धीरे करके आप खत्म कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने दो तरीके बताए, जातिगत जनगणना और आपका जो जिनको आरक्षण मिला है उनको वहाँ से आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब डेटा है ही, सबके आधार पैन लिंक है। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिली है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। आवाज की डेट में सोचिए कि कोई अगर सरकारी चपरासी भी है तो 30,000 से 35,000 रुपये उसकी इनकम है, तो वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन दे सकता है, तो उसको नहीं ज़रूरत है आरक्षण की, उसका बच्चा कम्पीट कर सकता है। आरक्षण की ज़रूरत उनको होती है जो दलित के बच्चे या आदिवासियों के बच्चे जिनके पास खाना नहीं है। बहुत सारे लोग, आप रूरल एरिया में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में इलाके हैं, वो तराई इलाका है, बांदा, अरे गोंडा बहराइच वाला, या बिहार में आपके ये सीमांचल का इलाका है, वहाँ पे ऐसे ऐसे सीन है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उसको खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, ये तो राइट है। ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि होता क्या है ना कि अगर एक पीढ़ी आपकी सवर गई तो आने वाली पीढ़ियाँ सवर जाती हैं। चलो गाइज, थैंक यू। ये हमारे साथ थे मिस्टर अभिषेक सिंह। टॉपिक हमारा थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बट ये टॉपिक और भी लंबा होगा, तो हम इसके लिए एक बाद में सेपरेट मतलब वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, और अच्छे अच्छे टॉपिक पे आएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, प्रेस कर देना रेड।